नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इक्विटी स्कूल। आशा करता हूँ कि हमारे वीडियो सबको पसंद आ रहे हैं। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, कैसे काम करता है और कंपनी स्टॉक स्प्लिट क्यों करती हैं। तो चलिए दोस्तों, जब भी कंपनी अपने शेयर्स को एक रेशियो में डिवाइड करती है, जिसके वजह से मार्केट में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं और कंपनी का शेयर प्राइस उस प्रोपोर्शन रेशियो से गिर जाता है, इसे स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। ये थोड़ा बहुत बोनस शेयर्स जैसे होता है, बट सबसे बड़ा डिफरेंस बोनस शेयर्स और स्टॉक स्प्लिट में ये होता है कि स्टॉक स्प्लिट में शेयर प्राइस के साथ फेस वैल्यू भी गिर जाता है, पर बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू नहीं गिरता। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एबीसी नाम की कंपनी के 20 शेयर्स है, जिसके प्राइस अभी 1000 रुपीस है और फेस वैल्यू 10 रुपीस है। हमारे इसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू 20 × 1000 = 20,000 रुपीस है। अब अगर एबीसी कंपनी ने 2:1 में स्टॉक स्प्लिट का डिसीजन लेती है, तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद हर एक शेयर 2 शेयर्स में बदल जाएंगे और उसका स्टॉक प्राइस 1000 से 500 हो जाएगा और फेस वैल्यू 10 रुपए से 5 रुपए हो जाएगा। इससे हमारे पास जो 20 शेयर्स थे वो 40 शेयर्स हो जाएंगे और शेयर्स प्राइस 1000 से 500 हो जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम ही रहेगा, यानी 40 × 500 रुपीस इक्वल्स टू 20,000 रुपीस। अगर एबीसी कंपनी ने 5:1 में स्टॉक स्प्लिट का डिसीजन लेती है, तो स्टॉक स्प्लिट होने के बाद हर एक शेयर 5 शेयर्स में बदल जाएंगे और उसका स्टॉक प्राइस और फेस वैल्यू 1/5 के रेशियो से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर स्टॉक प्राइस 1000 रुपीस है, तो उसका स्टॉक प्राइस 1000/5 यानी 200 रुपीस हो जाएगा और फेस वैल्यू जो 10 रुपीस है, वो 10/5 यानी 2 रुपीस फेस वैल्यू हो जाएगा। पर स्टॉक स्प्लिट से डिविडेंड का फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि फेस वैल्यू भी स्टॉक स्प्लिट के साथ गिर जाता है। इसलिए अब हम देखेंगे कि कंपनीज क्यों स्टॉक स्प्लिट करती है। कंपनीज स्टॉक स्प्लिट तभी करती है जब वो कंपनी को लगता है कि उनके शेयर्स बहुत ही ज्यादा ऊपर चले गए हैं, तब स्टॉक स्प्लिट करती है ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी वो शेयर्स ले सके, ताकि स्मॉल इन्वेस्टर्स भी उनके कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए XYZ कंपनी का एक शेयर 25,000 रुपीस है। अगर आपको अभी XYZ कंपनी का एक शेयर लेना है, तो आपको 25,000 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर अगर XYZ कंपनी ने 5:1 का स्टॉक स्प्लिट किया, तो शेयर का प्राइस 25,000 से 5,000 रुपए आ जाएगा और अभी आपको एक शेयर लेने में सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए चाहिए होंगे। रिसेंटली आइशर मोटर्स ने 10:1 का स्टॉक स्प्लिट किया था। स्टॉक स्प्लिट से पहले आइशर मोटर्स का शेयर 25,000 रुपीस था, पर आफ्टर स्टॉक स्प्लिट शेयर का प्राइस हो गया 2,500 रुपीस और फेस वैल्यू पहले 10 रुपीस था, वो चेंज होके अभी हो गया है 1 रुपी, क्योंकि 25,000/10 इक्वल्स टू 2,500 रुपीस जो स्टॉक प्राइस है, और 10/10 यानी 1 फेस वैल्यू हो गया 1 रुपीस। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ, और दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू।